महेश तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के पाकिजा टावर के पास से चोरी हुई ठेला गाड़ी जिस पर बर्तन था, इस ठेला गाड़ी को एक छोटा लड़का लेकर गया था। सीसीटीवी में लड़के के साथ एक टोपी और कुर्ते में एक शख्स भी दिखाई दे रहे हैं, मगर अब इसकी सच्चाई सामने आ गई है। दरअसल अनवर पेंटर की ठेला गाड़ी बर्तन के साथ चोरी हुई थी और आज ठेला गाड़ी चरनीपाड़ा में एक जगह पर खड़ी हुई मिल गई है। सीसीटीवी में जो शख्स टोपी और कुर्ते में दिखाई दे रहे हैं उनका नाम आफताब आलम है। खबर चलने के बाद आफताब आलम खुद सामने आए और अनवर पेंटर को भी बुलाया और आफताब आलम ने बताया कि वो मोबाइल से बात कर रहे थे और एक लड़का ठेला गाड़ी निकाल रहा था तो उन्हें समझा कि ये गाड़ी इसी बच्चे की है और गाड़ी के पास से पत्थर हटाने में मदद की। हालांकि सीसीटीवी में आफताब आलम काफ़ी देर तक फ़ोन पर बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मगर इसमें इनका कोई रोल नहीं है। अनवर पिंटर ने भी बताया कि सीसीटीवी के आधार पर उन्होंने बयान दिया था, मगर अब अनवर पिंटर ने भी साफ कहा है कि जो गाड़ी चोरी हुई है वो एक लड़के ने चोरी किया है, इसमें आफताब आलम का कोई हाथ नहीं है। हालांकि अनवर पिंटर ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत भी की है और पुलिस इस मामले की जाँच भी कर रही है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर अनवर पिंटर ने साफ कहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज में टोपी और कुर्ते में शख्स दिखाई दे रहे हैं वो आफताब आलम है और इस चोरी की घटना से उनका कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने समझा कि ये बच्चे की ठेला गाड़ी है और मदद के तौर पर उन्होंने उसकी जो है ठेले गाड़ी के पास से पत्थर वगैरह हटाया था। हालांकि आफताब आलम ने भी अपनी सफाई दी है, वो भी हम आपको सुनाते हैं और अनवर पेंटर ने भी क्या कहा है वो भी सुनिए। ये अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैंने न्यूज़ चैनल के द्वारा पहले जो इंटरव्यू दिया था कि भाई मेरी गाड़ी चोरी हो गई है, तो आज मुझे एक कॉल आया कि सब जगह न्यूज़ चैनल पहुंच गया उनके जरिए, फिर किसी ने देखा कि भाई गाड़ी यहाँ चरनीपाड़ा रोड पे खड़ी थी, तो मुझे कॉल आया कि बोले अनवर भाई तुम्हारी गाड़ी खड़ी है और आके देख लो, ये गाड़ी आपकी है। तो मैं जाके जगह पे गया और गाड़ी देखा तो गाड़ी मेरी है। और उस इससे पहले न्यूज जो चली थी कि उसमें एक टोपी पहने और दाढ़ी रखे मौलाना है, तो वो एक गफलत में आ गए थे। गाड़ी मिली है, उसमें आपका सामान वगैरह भी था? उसमें सामान था मेरा। नहीं, अभी जब मिली है? नहीं, सामान नहीं था, अभी सामान नहीं था, सिर्फ गाड़ी, खाली गाड़ी गई थी। और उसमें कैसा है कि पहले जो न्यूज हमने अकेले में दिया था, एक इंटरव्यू दिया था कि उसमें एक टोपी पहने और दाढ़ी रखे मौलाना कुर्ता पैजामा थे, तो वो कैसा है कि वो एक गफलत में आ गए थे। अभी जैसे कोई भी एक जगह कुछ हो जाता है तो उसमें सबका फोटो आ जाता है, लेकिन सब आरोपी नहीं होते हैं। एक शक हो जाता है कि यार ये मौलाना वहाँ पे इनकी हेल्प किया। तो आज मौलाना साहब मेरे पास में खड़े हैं, मौलाना साहब ने भी हमको फ़ोन करके बुलाया, उनके कुछ दोस्तों ने भी बुलाया कि अनवर भाई इधर आ जाओ, जो वीडियो में तुमने मौलाना को बताया था वो खड़े हुए, तो ये मौलाना साहब खड़े थे। तो मैंने देखा चार पांच आठ दस मौलाना और भी खड़े थे, तो उन्होंने मुझे इनकी सच्चाई दास्तां बताया। देखो, शक के आधार पर ये सही है कि कोई भी देखेगा तो शक मौलाना पे करेगा, लेकिन ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ कि मौलाना साहब एक फोन कर रहे थे, खाली वो बच्चे की है ना, बच्चा बोला होगा कि भाई ये गाड़ी जरा मुड़ा दो, तो मौलाना साहब ने बस यही किया और कुछ भी नहीं है। बहरहाल अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जो जो भी हमारी न्यूज चैनल न्यूज चलाई है उनके जरिए हमको बहुत फायदा हुआ है और मेरी गाड़ी उनके जरिए न्यूज चैनल के जरिए मेरी गाड़ी मिल गया, अल्लाह का शुक्र है। मौलाना साहब पर जिस तरह से आपने आरोप लगाया था तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आरोप मौलाना साहब पे कुछ? देखिए, मैंने आरोप नहीं लगाया, ऐसा नहीं है कि मौलाना ही चोरी किया, आरोप नहीं लगाया, ये तो एक शक के दायरे पे आ गए थे, लेकिन इन्होंने जब फोन किया मौलाना साहब ने और उनके दोस्तों ने फोन किया कि अनवर भाई तुम इधर आओ और जो मौलाना का फोटो आया है वो हम लोग क्लियर करना चाहते। मैंने कोई ऐसा आरोप नहीं लगाया कि मौलाना ही चोरी किया, लेकिन एक गफलत में खड़े रहते हैं तो वो फोटो आ जाता है तो शक के आधार पर उनको भी गिना जाता है। है ना आफताब आलम? आप मौलाना साहब सीसीटीवी में दिख रहे हैं बच्चे, हाँ। आप कुछ मदद मांगा था, आप मदद कर रहे थे, क्या पूरा मामला था, क्या हुआ था उसे? हम वहाँ तनवर नगर से निकल करके जा रहे थे शिलफाट, तो बारिश की वजह से थोड़ा जो है
वहाँ रुक गए। रुकने के बाद फिर कॉल आ गई घर से, बात करने लगे हम। बात करते करते ऐसे ही जो है वहाँ पहुँच गए, तो वो बच्चा जो है ठेला ढकेल रहा था तो ढकेल नहीं पा रहा था। कह रहा अंकल जो है ये ठेला पत्थर यहाँ नीचे लगा है, बस उतना ही किया, बाकी मुझसे कोई मतलब नहीं, कौन है कहाँ जा रहा है कोई। आपने पूछे नहीं किसकी ठेली है क्या है? कुछ नहीं पूछा, जब ये मालूम ही नहीं पड़ा कि ये चोर है कौन है, बस ऐसे ही आम बच्चे जैसे होते हैं वैसे ही था वो। आपको बोला कि ठेला निकाल के दो, नहीं पत्थर रख दो नीचे बस, मैंने खाली हेल्प किया। आप हाँ अपने, नहीं नहीं मैं बात कर रहा था फोन पे, लंबी गुफ्तगू किया घर पे, बाकी कुछ भी उसकी हेल्प जो है बच्चे होने की वजह से हमने किया था, वरना जरूरत नहीं, उसमें कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं, मैं ना उसको जानता ही नहीं कुछ नहीं। और जो बच्चा लेके गया था उसको भी हम लोग ढूंढने की तलाश है कि वो बच्चा ही गाड़ी ढकेल के लेके गया कौसा साइड, वो बच्चा ही पूरी अकेले गाड़ी या बदर कौसा मार्केट में मिली थी गाड़ी, कौसा मार्केट के आगे चरनी पाड़ा रोड है, हाँ। उसके वहां पे मिली।